सो गाइस, बहुत टाइम से मैं है ना ये एक जेनेरिक माउस यूज़ कर रहा था। ये मतलब 200-300 रुपए का माउस आता है, देखने में एप्पल मैजिक माउस जैसा लगता है, बट ये वो है नहीं। बहुत ही छोटा सा अजीब सा माउस है और इसमें लेटेंसी वगैरह भी बहुत थी और बहुत लफड़े थे। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे जेनेरिक जो ईयरफोन्स होते हैं उन्होंने मेरा एक कान खराब कर दिया। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके सारे जेनेरिक चीज़ें अपने सेटअप से हटा रहा हूँ और जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ अपने घर में, जो भी जेनेरिक चीज़ें हैं उन सबको मैं हटा रहा हूँ। ये माउस बस देखने में एप्पल माउस जैसा लगता था। ऐसा नहीं है, मैंने एप्पल माउस भी यूज़ किया है, एप्पल मैजिक माउस भी बहुत टाइम तक यूज़ किया है, बट उसमें कनेक्टिविटी में बहुत इशू वगैरह रहता था तो मैंने वो बेच दिया किसी को। फिर उसके बाद मैं वैसे दिखने वाला, क्योंकि मुझे छोटे माउस की आदत पड़ गई थी तो मैं छोटा माउस लिया है। ये मेरे को लगा कि सही होगा, माउस तो माउस होता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि बहुत डिफरेंस होता है चीजों में। इसका नाम है रेड ड्रैगन नॉथोस और M606। काफी सही माउस है, ये गेमिंग माउस है, काफी स्टर्डी है, काफी बड़ा है। जैसे मेरे हाथ का साइज है ना बड़ा है, तो बड़े माउस मेरे को सही लगते हैं और इसलिए मैंने ले लिया है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग इसकी अनबॉक्सिंग देख लो, उसके बाद अपन इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, काफी सिंपल सा हमें इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। आगे की साइड बस ब्रांडिंग है, पीछे की साइड कुछ की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो इन्हें, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते क्या काम का है, मतलब हमें तो पता है सब कुछ। तो चलो गाइस अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी लिड को ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें ये ट्रे मैकेनिज्म वाली ये चीज़ दिखेगी, जो भी है इसके अंदर माउस रखा हुआ है हमारा। सबसे ऊपर हमें ये रेड ड्रैगन का एक स्टिकर मिलता है, इसको आप किसी व्हाइट बैकग्राउंड वाली जगह पे चिपका सकते हो, बिकॉज ब्लैक बैकग्राउंड पे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर हमें मैनुअल देखने को मिल जाती है नॉथोसोर की, और फिर सबसे लास्ट में हमें माउस रखा हुआ मिल जाता है। और फर्स्ट लुक में काफ़ी अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं उसके, बहुत अच्छा ही लग रहा है, बहुत हैवी भी है और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी लग रही है मुझे। पीछे की साइड हमें एक हल्का सा टेक्सचर देखने को मिल जाता है और वहीं पर टेफ्लॉन पैड्स देखने को मिल जाते हैं। और बाकी इसके जो बटन है काफी क्लिकी है, काफी रिस्पॉन्सिव लग रहे हैं मुझे, क्लिक्स वगैरह काफी रिस्पॉन्सिव लग रहे हैं, स्क्रोल व्हील भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब गाइस मैं आप लोगों को इसकी केबल को ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमें गोल्ड प्लेटेड यूएसबी केबल मिल जाती है, मीन्स जो यूएसबी टाइप ए साइड है ना उसके ऊपर थोड़ी सी गोल्ड प्लेटिंग है। और हमें रेड कलर के एक्सटेंट के साथ आने वाली ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाती है, जो कि लुक्स वाइज भी काफी अच्छी है और मजबूत भी होगी। सो गाइस मुझे काफी सही लग रहा है, जो नीचे रखी हुई एक व्हाइट कलर की टाइल है इसके ऊपर भी काफी सही से ट्रैकिंग कर रहा है। और गाइस मुझे इसके बटन्स तो काफी अच्छे लगे, आपको बीच में डीपीआई एडजस्टमेंट का बटन दिख जाता है, जिससे आप डीपीआई चेंज कर सकते हो और उसी के साथ कलर्स भी चेंज हो जाएंगे। वैसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो एलईडीज बंद हो जाएगी, माउस ऑफ नहीं होगा, सिर्फ एलईडीज बंद हो जाएगी। और फिर आप वापस लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ये वापस ऑन हो जाएगी सारे लाइट्स। इसके साइड बटन्स में मुझे काफी ज्यादा क्लिक लगे, जैसा राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक में फील आता है, सेम वैसा ही फील इन बटन्स में भी आ रहा है। सो गाइस अब आप देख सकते हो अलग अलग कलर से इसके अंदर हमें 4 कलर मोड मिलते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और ये पर्पल काइंड ऑफ कुछ कलर है। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर है ना एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि इसके जो RGB की स्ट्रिप्स लगी हुई है साइड में, इनमें एंड में जाते हुए लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। आप देख रहे हो जो लाइन बनी हुई है कलर की, इसके अंदर लास्ट में कोने में है ना लाइट थोड़ी सी कम है। वो डेफिनेटली इसलिए कि इसके अंदर पूरी में RGB नहीं है, सिर्फ अंदर एक बल्ब लगा हुआ है या फिर एक LED लगी हुई है कि पूरे माउस को लेट कर रही है। और ये कोई ज्यादा मेजर इशू नहीं है, और इसका सेंसर भी मुझे काफी सही लगा, काफी सही ट्रैकिंग कर लेता है ये। अब देखो गाइज मुझे कोई खास गेमिंग नहीं करनी होती, कभी कभार मन करता है तो मैं थोड़ा बहुत गेम खेल लेता हूँ, CS:GO वगैरह खेल लेता हूँ, बिकॉज पब्जी तो डेफिनेटली बैन हो गया, वरना उससे पहले मैं पब्जी खेलता था। लेकिन मेरा मेन काम वीडियो एडिटिंग का है, फोटो एडिटिंग का है, लाइक मैं थंबनेल्स वगैरह बनाता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ अपने यूट्यूब वाली, और मैं और भी चीजें एडिट करता हूँ, और भी वीडियोज एडिट करता हूँ, 3D मॉडलिंग वगैरह करता हूँ, कुछ कुछ चीजें मतलब सीख रहा हूँ ये सब चीजें। तो उसके लिए मेरे को एक माउस चाहिए था जिसके अंदर लेटेंसी कम हो, और गेमिंग माउस से ज्यादा लेटेंसी किसमें कम होती है, सबसे कम लेटेंसी गेमिंग माउस में देखने को मिलती है, ये सब तो बकवास है सब। और गेमिंग माउस में हमें एक और चीज मिल जाती है कि हमें एक्स्ट्रा बटन मिल जाते हैं साइड में, जिन्हें थंब बटन्स भी बोलते हैं, और एक DPI एडजस्टमेंट का भी बटन मिल जाता है जो कि काफी सही है। माउस की जो स्मूथ होती है, जो कर्सर की स्पीड होती है, उसे एडजस्ट कर सकते हैं हम ऑन द गो इसी बटन से। और गाइस इसके बटन है ना काफी क्लिकी है, मतलब जो रिस्पांस आता है ना, आप जब क्लिक करोगे तो आपकी उंगली को पीछे पुश करेगा, तो वो फोर्स काफी सही है इसके अंदर, उसी को बोलते हैं क्लिकीनेस, काफी क्लिकी है और काफी टेक्टाइल भी है। और इसकी साउंड में ना मुझे एक डेप्थ लगी, एक हल्की सी डेप्थ होती है इसकी, जब आवाज आती है ना क्लिक की, उसके अंदर बहुत डेप्थ होती है। अब गाइस इस माउस के अंदर मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं दिया इसका, ना मुझे कोई CD मिली ना कुछ मिला, लेकिन एक्स माउस बटन कंट्रोल नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, उसे आप यूज कर सकते हो, उसे आप किसी भी माउस के कोई भी बटन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैंने भी यही सॉफ्टवेयर यूज किया, उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं हम लोग माउस के साथ, मतलब कुछ भी क्या करोगे वो बटन्स वटन सेट हो जाते हैं। तो हाँ, मैंने थंब बटन है उनको अपने एडिटिंग के हिसाब से, जो मेरे को ज्यादा चीजें चाहिए होती है, कट लगाना और डिलीट करना, ये सब चीजें ज्यादा चाहिए होती है एडिटिंग के अंदर, वीडियो एडिटिंग के अंदर, तो मैंने वो सेट कर लिया उसमें। और मुझे इस माउस को यूज करते हुए ऑलमोस्ट 2-3 दिन होने लग गए और मुझे काफी सही एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैं रात को भी काम करता हूँ तो इसके अंदर RGB वगैरह
रहा है, और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एस्थेटिकली चीजें करता था पहले, मतलब सब कुछ बहुत क्लीन रखता था, लेकिन अब अचानक से मैं RGB पे शिफ्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं RGB पे शिफ्ट हो गया। लेकिन हाँ, RGB भी बुरा नहीं है, RGB भी अच्छी लगती है, RGB चीजें अच्छी लगती है। अगर आपका पूरा सेटअप RGB पे काम करता है तो काफी सही लगता है। मुझे इस माउस के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को ये मिली कि अभी जब गर्मी का मौसम है थोड़ा, मतलब सर्दियां आ ही रही है अभी रास्ते में ही है, तो मेरे हाथ में पसीना बहुत ज्यादा आता है जब मैं इसे यूज करता हूँ। बिकॉज ये ऊपर से प्लास्टिक का है और इस पे टेक्सचर भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो पसीना बहुत ज्यादा आता है हाथ में। जब टेक्सचर होता है ना किसी चीज पे, तो वहां पर हल्का फुल्का वेंटिलेशन बन जाता है जिससे आपके हाथों में पसीने कम आते हैं, लेकिन इसमें पसीने बहुत ज्यादा आते हैं मेरे। लेकिन ये कोई मेजर इशू नहीं है, किसी के हाथों में पसीने कम आते हैं, किसी के में ज्यादा आते हैं, तो ये अलग अलग लोगों पर वेरी करता है। लेकिन गाइज मुझे ओवरऑल ये माउस बहुत सही लगा, 750 रुपए मैंने इसे परचेज किया था और काफी सही चीज लगी गाइज मुझे। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो भी जेनेरिक चीजें मैं यूज करता हूँ, जो भी ये जो 100-200 रुपए वाली चीजें आती है, ब्रांडलेस चीजें होती है ना, इन सबको हटाऊंगा अपने सेटअप से, अपने डेली यूसेज में से हटाऊंगा जरूर, क्योंकि गाइज अपना खान खो चुका हूँ 1-1.5 महीने के लिए से, लेकिन खो चुका हूँ एटलीस्ट। और वो पीछे वो जो मॉनिटर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे इग्नोर करना प्लीज, वो पता नहीं हैंग हो गया। अब मैं क्या अपने फोन का जो कैमरा है उसे वहां पर सिंक कर लेता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मेरे फ्रेम में क्या चल रहा है। तो अभी आई गेस वो हैंग हो चुका है, मतलब रुक गया वहीं पे, पता नहीं क्यों, शायद वायरलेस कनेक्टिविटी सही नहीं है तो इसलिए। सो ओके गाइस, आज की वीडियो में सुनते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप यहाँ पर नए हो तो बेल आइकन तुम लोग दबाई लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो मिलता हूँ।